और अब बात करते हैं रीवा की, जहां द्वितीय चरण के मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए जा रहे हैं। इस मामले में कलेक्टर मनोज पुष्प और पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने कई मतदान केंद्रों का भ्रमण कर आम जनता से संवाद किया। वहीं असामाजिक तत्वों एवं चुनाव को किसी भी रूप में प्रभावित करने का प्रयास करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। इस दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर, एसडीएम हुजूर अनुराग तिवारी और अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। किसी का सुनना नहीं है, किसी का भी फोन आए, सिक्योरिटी हमारे लिए सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, यहाँ का रहा है हिस्ट्री की, यहाँ समझिए थोड़ी। द्वितीय चरण का चुनाव 1 तारीख को होना है और 30 तारीख को सामग्री वितरण और मतदान दलों की रवानगी का काम होगा। उसके पहले हम लोग क्षेत्र में आकर एक सेंसिटिविटी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसके हिसाब से कि जो पुलिस की व्यवस्था की जाएगी, सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी, और जिन लोगों के बारे में इस तरह के इनपुट आ रहे हैं कि जो चुनाव की प्रक्रिया को बाधित करने या प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, या कुछ लोग हैं जो कि झगड़े लड़ाई करके ऐसा एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके कारण कि लोग मतदान करने के लिए आएं और इस तरह का माहौल बने कि उनके पक्ष में वातावरण बने, उन सभी पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। जो पुलिस और रेवेन्यू की टीम है वो सभी गांवों में सेंसिटिविटी का असेसमेंट कर रही है, उन सभी लोगों की पहचान कर रही है जिनके कारण ये संवेदनशीलता होने की संभावना है, उनके विरुद्ध न केवल प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है बल्कि जहां कहीं भी आवश्यक पड़ रहा है तो जो एक्चुअल धाराएं हैं उनमें केसेस दर्ज किए जा रहे हैं, जो पुराने अपराधी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, NSA और जिला बदल की कार्रवाई की जा रही है, और आम नागरिकों को पूरी तरह से इस तरह का एक वातावरण दिया जाएगा ताकि वो स्वतंत्र और निष्पक्ष वातावरण में अपना मताधिकार का प्रयोग करें और अपनी पंचायत के और अपने सभी जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लोग हैं उनका चयन करें। बहुत ही ज़्यादा सख्ती करने के निर्देश दिए गए हैं। आने वाले 2 दिनों में इस एटमॉस्फेयर बिल्डिंग के लिए पुलिस और रेवेन्यू की टीम लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में दौरे करेगी और उन सभी की पहचान करके लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी जो किसी भी तरह से पोल की प्रक्रिया को डिसरप्ट करने की कोशिश करेंगे।